बन गई इकी आंख। अब इस पे हम लगाएंगे सफेदी वाला कलर। चलो चलो, ये हो गया तैयार। इको उस पे लगा देते हैं। हाँ। इको लगा देते हैं इस पे। बताओ बाबा, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। इसको तो देखकर ही डर लग रहा है। अब जब तुम ही डर गए तो बताओ चिड़िया चुनमुन कैसे नहीं डरेंगी है? इसका नाम तो काक भगोड़ा है ना बाबा, ये तो सिर्फ काक भगाएगा, चिड़िया को थोड़ी। अरे ये तो सारे पक्षियों को उड़ाएगा है, हमारे खेत की रक्षा भी करेगा। चलो तैयार हो गया अपना काग भगोड़ा। काग भगोड़ा, चलो बच्चों अब इसे खेत में लगा के आते हैं। हाँ, चलो 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 कमला, आते हैं हम। हैं बाबा बाबा, चलो अब तुम देखना राघव बेटा, इसको जब हम खेत में लगाएंगे ना अपने, कोई भी पक्षी नहीं आएगा, पूरे खेत की रक्षा करेगा ये काग भगोड़ा। हैं जे काग भगोड़ा यहाँ कैसे आया? ये कौन लगा गया भाई? अरे हम इतनी मेहनत से ये काग भगोड़ा बनाए रहे और जे बाबा, ये काग भगोड़ा तो हमारे वाले से भी ज्यादा डरावना है। हाँ बेटा, पर हम जे सोच रहे हैं कि काग भगोड़ा यहाँ आया कैसे? किस अच्छा 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 अच्छा, अब हमें समझ में आया है। ये कस्तानी हूँ राम सिंह की होगी, उनको बताया था हमने इस काग भगोड़े के बारे में। बेटा तुम यहाँ रुको है, हम जरा इस राम सिंह से बात करके आते हैं। है? राम सिंह, यहाँ आओ तुम्हारी खबर लेते हैं हम। अरे क्या हुआ लक्ष्मण भैया, इतना गुस्साए काहे रहे हो? अरे बाबा मुझे बचाओ,
हाथ उठा। लक्ष्मण भैया हमारा बचवा को लेकर चला गया वो। क्या हुआ भैया, क्या हुआ राघव को? अरे यार एक बड़ा सा काट पकौड़ा था भाई, हमारे बेटे को लेके चला गया। अरे ये क्या कर रहे हो भैया, ये तो पड़ा है तुम्हारा काक भगोड़ा। अरे ये है जो हमने बनाया था यहाँ पे, बड़ा सा काक भगोड़ा था वो, हमारा राघव को लेके चला गया। क्या कह रहे हो लक्ष्मण भैया, ये कैसे हो सका? अरे तो हम कानून से झूठ बोल रहे हैं, ये बात करने तो तुम्हारे पास आए ना, चलिए तो वो काक भगोड़ा था ना वो तुम्हारे राघव को लेके गया। कहा झूठ है राघव, कैसे सकता है काग भगोड़ा बचवा ले गया? अरे कहाँ छोड़ा है हमने बेटे को, हमें अपना बेटा ला दो। हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन मानो, काग भगोड़ा उसको झूठ बोल रहे हैं आप। अरे वो काग भगोड़ा हमने बेटे को कैसे लेके जा सकता है, वो तो घास फूस का बना होता है ना वो। आपने अपनी आंखों से देखा था आपने अपनी आंखों से, नहीं ना? लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो ना उकाक भगोड़ा था ना हमारा राघव था। राघव चिल्ला रहा था कि हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें हमारा अपना बेटा ला दो, हमें अपना बेटा ला दो, हमें अपना बेटा ला दो। ऐ कमला, वो हमारा भी बच्चा है, हम उसे ढूंढ के लाएंगे, फिर चाहे उसे ढूंढने के लिए हमें पाताल में भी क्यों ना जाना पड़े। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सच है, विश्वास करो या नहीं, तुम चिंता ना करो, हम है ना, हम लाएंगे अपने बच्चे को ढूंढ के लाएंगे। कितनी बार कहें कि रात को रुक जाते हैं, लेकिन आप सुनते कहाँ हो हमारी। अरे इतनी रात को बच्चों को लेकर आने की क्या जरूरत थी, और वो भी खतरनाक जंगल में से। अरे तो क्या हुआ, पहुंच जाएंगे जल्दी, थोड़ी दूर है। हाँ पहुंच जाएंगे जल्दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है, हम है ना, चलो बिटुआ। अरे ये ना कहाँ जा रहे हैं, चलिए चलिए चलो जल्दी जल्दी। शोभा काहे रो रही है? यकीन नहीं हो रहा है ना तो पूछिए इनसे। अरे इनकी बिटिया को भी उकाक भगोड़ा उठाकर ले गया जो हमारे बेटे को ले गया था, पूछिए इनसे तब आपको यकीन होगा हम पर। रोइए मत बहन जी, ये बताइए लक्ष्मण जो कह रहा है क्या वो बात सच है, सच में काक भगोड़ा था? हाँ सरपंच जी ये सच बोल रहे, वहाँ पे काक भगोड़ा था। अब हुआ आपको हम पर यकीन, हमें पागल कह रहे थे आप सब। अरे इनकी बिटिया को भी वो काग भगोड़ा ही उठाकर लेकर गया। नहीं सरपंच जी, उस
उसे काग भगोड़ा नहीं ले गया, उसे तो एक कौवा उठा कर ले गया है। क्या बात कर रही है बहन जी आप? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे आपकी बिटिया को काग भगोड़ा उठा कर ले गया? नहीं नहीं, हमने देखा उसे, पर अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाए थे, उसकी उसकी आंखें चमकीली थी। बड़ी अजीब बात है, दोनों बातों पर यकीन करना मुश्किल है। न काग भगोड़ा इंसान को अगवा कर सकता है और ना ही कौवा। आपने कहा देखा? वह काग भगोड़ा था, वो हम अपनी आंखों से देखे हैं। मेरे बच्चे को, उसने हमारे बेटे को पकड़ा था, लेकिन लेकिन वो इसको लेकर नहीं गया। हमारा बेटा सही सलामत है, लेकिन लेकिन हमारी बेटी दीदी उसको कौन ले गया ये हमें नहीं पता सरपंच जी, लेकिन वो काग भगोड़ा नहीं था, नहीं था सरपंच जी, वो काग भगोड़ा नहीं था। किसकी बात पर यकीन करें, काग भगोड़ा पे या कौवा पे? और लक्ष्मण, ये लोग जो कह रहे हैं इससे तुम्हारी बातें तो एकदम ही अलग है। अरे का अलग है सरपंच जी, काग भगोड़ा था ये बात ये भी जानते हैं। अब वो काग भगोड़ा कोई प्रेत है का है हमें नहीं पता, पर वो जो भी है ना इस बात का हम पता लगा कर रहेंगे। अरे लक्ष्मण, 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 कोई माने चाहे ना माने, हम माने थे कि तुम सच बोल रहे हो। को हम पहले भी किसी काग भगोड़ा के बारे में बात करते सुना? किसको? गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसके मुंह से सुना था कि काग भगोड़ा में जान आ गई थी। एक कुछ तो बात है, तुम जाके पता करो। वो कौन से मकान में है? अरे तुम देख के पहचान जाइयो। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। हमको काग भगोड़े के बारे में जानना है आपसे। मुझे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। अरे हमारी बात तो सुन लो बाबा, खोलिए ना दरवाजा। आ यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा, निकल यहाँ से। अरे एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं तो अभी तक कैसे जाता बाबा? हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, वो काग भगोड़ा हमारे बच्चे।
बाबा आपने ये क्यों लगा रखा? यही तो हमारे बच्चे को उठा के लेकर गया है। ये तोरे बच्चे को उठा ले गया है? नहीं नहीं, हमारा मतलब है वो काग भगोड़ा, वो बहुत बड़ा है, वो गांव की एक बिटिया को भी उठा कर लेकर गया। मूर्ख है तू, रक्षक को भक्षक समझ रहा है। तोरे बेटे को काग भगोड़ा नहीं, कागुसा ले गया है। कागुसा कागुसा वो क्या है? पिशाच है, एक कौआ रूपी पिशाच। पर अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाए थे, उसकी आंखें चमकी रही थी। वो बच्चे की माँ भी बोली थी उसने किसी कौए को देखा था, पर वो ठीक से देख नहीं तो पाई। तू और... भी कहाँ सच देख पा रहा है? चल तुझे सच दिखाता हूँ, आ मेरे साथ। ये देख, ये जो बड़े बड़े खरोंचों के निशान हैं, उसी कागुसा के पंजों के हैं। बहुत ही भयानक और ताकतवर पिशाच है वो। पर बाबा जी, निशान तो किसी और का भी हो सकता है। नहीं, ये उसी कागुसा के पंजों के निशान हैं। और काग भगोड़ा तो हम सबका रक्षक है। जैसे हम सबके खेतों की रक्षा करता है चील कौओं से, वैसे ही हम सबकी रक्षा कर रहा है उस पिशाच से। जे बात आपको कैसे पता है बाबा? क्योंकि वो सब अपनी आंखों से देखा है मैंने 10 साल पहले। वो की हत्या कर रहा है। बहुत अपने हाथों अपनी मौत बुला ली। देख ऊपर, ऊपर देख। हे भगवान, ये क्या है? ये कागुसा है, ये पिशाच है। Thank you.
उस दिन हमारी वजह से उस इंसान की जान चली गई और उसकी आत्मा उस काग भगोड़े में समा गई। हमारी वजह से जान जाने के बावजूद भी उसने हम सबकी जान बचाई। इसका मतलब यह है वो काग भगोड़ा जो हमारे खेत में था वो दरअसल हमारे बच्चे की जान बचा रहा था कागुसा से। हाँ, लेकिन 10 साल बाद वो कागुसा वापस क्यों आया है हमका नहीं मालूम। बाबा, अगर वो काग भगोड़ा एक पवित्र आत्मा है वो हमारे बच्चे को वापस लाने में हमारी मदद कर सकती है ना? अरे कागुसा बहुत भयानक और ताकतवर पिशाच है, हमका तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारा बेटा जिंदा भी है या नहीं। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, आप बस हमारी मदद कर दीजिए। हम विनती करेंगे काग भगोड़ा से, वो हमारे बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। आप चलिए, हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं नहीं, हम घर से बाहर नहीं निकलूंगा, वो आपको मार देगा। तुम जाओ यहां से, हम तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकते। हमारी बात, जाओ यहां से, दोबारा मत आना। अरे लेकिन बाबा, हमारे पास सुनो बाबा, बाबा हमारी बात तो सुनो। अब बाबा, काकुसा नाम का एक भयानक पिशाच। और वो काग भगोड़ा हमारे बच्चे की रक्षा कर रहा था। उस भयानक पिशाच का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। बोलिए कौन है हमारे साथ, कौन कौन है? लक्ष्मण, हम सब मिलकर भी उस पिशाच का सामना नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। वो पिशाच जब आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम अपने बेटे को पाने के लिए खुद लड़ेंगे, फिर हमारी जान भी जाए तो कोई नहीं। सरपंच जी, सरपंच जी, बेटा मेरा। सुनिए सुनिए, एक बार हमारी बात तो सुनिए। आपको कोना नहीं चाहते। नहीं कमला, जब तक हम अपने बेटे का खोज नहीं लेते हम रुकने वाले नहीं।
तेरी बहादुरी देख के हमने भी अपना फैसला बदल दिया है। चल मैं हूं तेरे साथ। कमला तुम घर जाओ, हम अपने राघव को लेकर आते हैं। हाँ जाओ चलिए। यही वो जगह जहां मैंने पहली बार उस कागुसा को देखा था। और ये इसी जगह पे हो रहा था अमन। इसका मतलब ये है कि वो काग भगोड़ा भी यहीं कहीं होगा। ए काग भगोड़ा, ए हमारी मदद करो। काग भगोड़ा हमें हमें बच्चे से मिलवा दो, हमें हमारे बच्चों से मिलवा दो। इतनी तेज से मत चिल्लाओ काग भगोड़ा। Thank you.
खत्म होती जा रही है और वो ताकतवर कहीं वो बच्चों को नहीं 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 ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हम जानते हैं हमारा राघव जिंदा है, सब जिंदा, आप ठीक हो जाएंगे, हम है ना आपके साथ, आप हिम्मत मत हारिए। कागोशा को मारना आसान नहीं है, भूख पिशाच है। मेरे गुरु ने मुझे उसे पकड़ने के लिए यहाँ भेजा था, मैं उसे 10 साल पहले ही मार चुका होता, लेकिन दूसरे ने उसे अनजाने में बचा लिया। मैं नहीं जानता वो 10 साल बाद क्यों लुटा और वो बच्चों को क्यों उठा रहा है। हम पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे, पर वो रहता कहाँ है? इसके लिए तुम्हें इन पंखों को अपने हाथ में पकड़ना होगा। और मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, याद रहे, मन ही मन दोहराना, उसके बाद तुम्हारी आत्मा वहां पहुंच जाएगी जहां कागोशा छुप कर बैठा हुआ है। ये मंत्र मैं तुम्हारे कान में कहूंगा, देखा है। चलो 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 जल्दी चलो यहां से। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों ले आए? मैं आज तक ये समझता रहा कि कागोशा पिशाच है, लेकिन वो पिशाच नहीं है।
इसलिए वह 10 सालों तक गायब रही ताकि अपने अंडों की देखभाल कर सके। अगर एक बार उन अंडों में से पिशाच बाहर आ गया तो भोजन करो। नहीं नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। फिर काबूशा के आतंक को रोकना नामुमकिन है। हम एक काम करते हैं, उन अंडों को छोड़ देते हैं। आइए चलिए। नहीं, मेरे पास एक तरीका है। अब काबिशा को मारने के लिए हमें अपना तरीका बदलना होगा। मरने के लिए यहाँ आ गया साधु। मैं तो कब का मर चुका हूँ, अब तेरी बारी है। लक्ष्मण जल्दी से अग्नि मंत्र का जप करो। भगवते रुद्राय ओम नमो, भगवते रुद्राय ओम नमो, भगवते नमो नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमो, भगवते नमो नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमो नमः। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम, कुछ नहीं होगा तुम। हे साधु, आपको सच सच नमन है, सच सच नमन है।